होगी किसी की एज तो वो कैसा होगा इंसान, मतलब उसके से जब ओल्ड एज में कोई भी इंसान होगा ना तो कैसा होगा, रिंकल्स होंगे, बैंड होगा ऐसे, और ये बाल सफेद हो जाएंगे, और ये रिंकल्स पड़े होंगे, दांत निकल जाएंगे, हाँ वही ना, एशियन लाइक फेस होगा, ग्रे हेयर्स होंगे, ठीक है, और अप्रोचिंग टू डेथ, फुल ऑफ स्लीप, उसको नींद आ रही होगी, या ठीक है, अप्रोचिंग डेथ, या वेरी गुड, वो भी मतलब ऐसा नजदीक जो हमने किसने पढ़ा था, मैन्युअल, तो ऐसे ही बुजुर्ग की कहानी हमारे आज के इस टॉपिक में रहेगी, और इसकी जो राइटर है वो कौन है, कमला दास जी, लड़की थी, लड़का, लड़की कमला दास जी कौन थी, कमला दास हैज रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स फॉर हर लिटरेसी कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग फ्यू ऑफ देम आर जैसे नॉमिनेटेड फॉर शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी, ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप किसी इनाम के लिए चाहे इनाम ना मिले लेकिन उसके लिए नॉमिनेट होना पूरे वर्ल्ड से, तो सबको नहीं ना, मैं हम सब थोड़े नॉमिनेट होते हैं, उसी तरीके से अवार्ड फॉर एशियन पैन मिला है इनको, केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है, साहित्य एकेडमी अवार्ड 1985 मिला है नेशनल लेवल पे, ठीक है, ऑनरे डीलिट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, कैलकटा है, कैलकट है ये, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होती है डिग्री, ठीक है, सबसे बड़ी, तो वो है 31 मई 2009 एज में इनकी जो है ध्यात हो गया पुणे में, ठीक है, तो यानी 2009 आज से कितने साल पहले, ओनली 11 इयर्स एगो, ठीक है, यानी अब सेंट्रल आइडिया जो हमारी जो आज की पोयम है वो किस आइडिया के आसपास क्या सोच लेकर घूमती है, एजिंग इज एन इंपॉर्टेंट फेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, अ पर्सन एंटर हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस यूथ when he is full of energy and dreams to have luxury of life, finally he approached his old age and encounters death. जब इंसान बच्चा शुरू हो जाता है तो जब एक साल तक का बच्चा होता है, जो नेशनल न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ना वो बोलती है एक साल तक का जो बच्चा है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट, क्या बोलते हैं इन्फेंट, फिर दो तीन साल का बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं हम टोडलर, क्या बोलते हैं टोडलर, फिर तीन साल के बाद जो हमारा बच्चा शुरू हो जाता है चाइल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, फिर हमारी टीन एज शुरू होती है कभी 11, 12, 13 में, ठीक है, फिर आ गया हमारा एडल्ट हो गया, मिडल यूथ आ गया, ठीक है, 40 साल के बाद हमारी एंट्री होगी मिडल एज में, 60 साल के बाद हमारी एंट्री होगी ओल्ड एज, तो ये हमारे लाइफ के रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो ये हमारी लाइफ जो है बंटी हुई है, क्या बंटी हुई, अलग अलग कैटेगरी, ठीक है, अलग अलग फेजेस में, तो हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा फेज की बात कर रहे हैं, ओल्ड एज, ओल्ड एज, तो अब ये ओल्ड एज कौन सा फेज है, एजिंग मतलब क्या है, तो उम्र के साथ गुजरना, ठीक है, तो फिर जब आप बहुत ज्यादा उम्र जाते हो तो फिर एजिंग क्रीम लगानी पड़ती है, एजिंग क्रीम क्या होती है, ऐसी क्रीम आपको वो बूढ़ा ना दिखे, जिसपे आप बूढ़े ना दिखो, मैं हेल्थ वो डाइट का ख्याल रखता हूँ, क्या खाना क्या नहीं खाना, तोल तोल के मैं खाता हूँ, तोल तोल के मैं पीता हूँ, है ना, तो वो एक जो गोल है वो चेंज होता रहता है हमारी लाइफ की वजह से, क्योंकि वो जो हमारी लाइफ होती है तो हमारी फिजिकल बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, अभी आपको पता ही नहीं मैदे में दर्द किसको बोलते हैं, आपकी उम्र में जो खाते हो वो हजम हो जाता है, पत्थर भी कहोगे हजम हो जाएगा, ठीक है, क्या ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया है। अच्छा, इन दिस पोएम द पोएट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, अब ये पोएम, इस पोएम में क्या किया है, पोएट ने अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस रिलेट किया है कि ओल्ड एज में जब बूढ़े होते हैं तो हमारे लाइफ के गोल्स क्या रहते हैं, ठीक है, और यहां पर इसमें एक और बात बताई गई क्योंकि ये अपनी माँ की बात बताती है, और फिर यहां पर ये भी बताती है कि जब बूढ़े बुजुर्ग हमारे साथ हिस्से होते हैं हमारी फैमिली के अंदर, और फिर जब वो क्या फुल ऑफ स्लीप, समझ रहे हो ना, होंगे, फिर हमारा हमारा क्या रिएक्शन रहता है कि हम कैसे रहते हैं कि वो कौन सी स्टेज पर हैं और हम यहाँ पर कहाँ हैं, ठीक है, और हमारा हमारे दिमाग में क्या रहता है कि यार ये तो बहुत जल्दी मुझसे बिछड़ने वाला, अब ये ज्यादा देर तक मेरे साथ रहने वाला नहीं है, तो उसकी क्या फीलिंग्स रहती है, और वो जो आपके साथ आदमी है जो उसको फेस करने वाला है उसकी क्या फीलिंग्स रहती है, ठीक है, तो ये कमला दास बताना चाहती है।
कुछ इसमें वैकेबुलरी यूज की गई है, अगर हम इसको पहले पढ़े तो पहले समझे तो ज्यादा अच्छा है। जिसमें इसमें यूज किया गया वेन, डब्ल्यू एन वेन, वेन का मतलब क्या होता है, कलरलेस, बेरंग हो जाना, श्वास श्वास ना बेरंग, पेन। लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, डिम मून सराउंडेड बाय क्लाउड्स, यानी विंटर्स मून मतलब कि जिसके चारों तरफ से बादल ही बादल है, जबरदस्ती वो चांद दिखने की कोशिश कर रहा है, भाग दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, फिर गायब, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो गायब हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लेट विंटर्स मून। स्पिलिंग का मतलब होता है रन आउट, दौड़ना, ठीक है। आगे पोयम में हमें ये वर्ड्स आएंगे, वहां हमें समझ पोयम को समझने में आसानी होगी, ठीक है। एशन मतलब ग्रे या ओल्ड एज, एशन पेल, ये तीन वर्ड वेन एशन और पेल, कलरलेस, ये सभी सिनोनिमस है एक दूसरे के, ठीक है। कौन कौन सा, एशन ग्रे वेन पेल कलरलेस, ठीक है, ये चारों वर्ड्स पांचों वर्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल सिनोनिमस, ठीक है। फिर आता है हमारा एक वर्ड एक्ट, एक्ट तो आप समझते हैं, हेडेक, टूथहेक, स्टोमेक, ठीक है, तो ये क्या है, पेन होना, ठीक है। स्प्रिंटिंग मतलब होता है शॉर्ट फास्ट रेस, छोटी रेस दौड़ना, ठीक है, यहां से ग्रोन तक दौड़ना, यहां से ब्रांडे तक दौड़ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंटिंग, क्या बोलते हैं हम उसको, स्प्रिंटिंग, समझ आए, ठीक है, सारे वर्ड क्लियर है ना, यस सर, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। अब हमारी पोयम क्या होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। सबसे पहले अगर आप देखें इस स्टेंजा को तो क्या बोलती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, क्या इसमें कोई वर्ड्स है, क्या राइम स्कीम है इसमें कोई, तो नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्री वर्स पॉइंट, क्या पोएम है हमारे पास, ये फ्री वर्स पॉइंट, फ्री वर्स, क्योंकि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। अब ये क्या बोलती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन, अब ये पेरेंट्स होम हम किसको बोलते हैं, माइके, माइके, वेरी गुड, क्योंकि कमला दास जो है अपने माइके में गई है और वहां से क्या जा रही है, कोचिन जा रही है, कोचिन जा रही है, कब, फ्राइडे मॉर्निंग को, फ्राइडे की सुबह को, और इसके साथ में कौन है, और इसकी मम्मा, इसकी मां, क्या बोल दिया, आई सॉ माय मदर बेसाइड मी, और इसके साथ कौन है, उसकी माता जी हैं, और फिर क्या होता है, डोज ओपन माउथ हर फेस, डोज मतलब क्या होता है, पता नहीं, नींद आना, जैसे नींद आना, जैसे नींद आती है ना, नींद, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, लाइट स्लीप भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, तो इसको नींद आ रही है, इसका मुंह खुला हुआ है, डोज्ड है, नींद आ रही है, ठीक है, और क्या है, ओपन माउथ है, हर फेस एशियन लाइक, उसका फेस जो है कैसा है, ओल्ड एशियन लाइक, एशियन मतलब क्या है, कलरलेस, ग्रे, कलरलेस है, उसके मुंह पर कोई रंग नहीं है। अब कलरलेस मतलब क्या है यहाँ पर, है ना, जैसे जैसे जिसका जिसका चेहरे का रंग, आप चेहरे से इंसान को पहचान सकते हो कि इसका गुस्सा है या इसको परेशानी है, जब इंसान को परेशानी हो जाती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जब बहुत ज्यादा होता है ना, और जब इंसान खुश होता है तो उसके चेहरे का रंग बनावटी कुछ और होता है। हम चेहरे से बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा जबरदस्ती इस वक्त इस क्लास में बैठा है, क्योंकि वो फेस ही बताता है, और चेहरे से भी बता सकते हैं कि कौन थका हुआ है, आपको भी दिख रहा होगा मैं थका हुआ कि नहीं थका हुआ, ठीक है। तो अब क्या बोलता है, डोज है, ओपन माउथ है, हर फेस एशियन लाइक, उसका फेस जो है एशियन की तरह है, कलरलेस है, पेल है। ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद ऑफ अ कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स। अब ये कैसा है, फैशन लाइक, एशियन लाइक दे, जैसे मैंने बोला था कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, लाइक और एज लगा के, इसको क्या बोलते हैं, किसकी तरह ये एशियन है, किसकी तरह से इसका कलरलेस कलर उड़ गया है, कॉर्प्स CORPS, कॉर्प्स डेड बॉडी की तरह, किसकी तरह, जिस तरह एक मुर्दा, मुर्दे की
मुर्दे के चेहरे का कलर होता है वैसे ही इसको अपनी माता जी का कलर दिखाई दे रहा है। किसको दिख रहा है? कमलादास जी को। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ? सिमली भी यूज हुई। एंड रियलाइज्ड विद पेन, अब इसको दर्द हो रहा है। किसको दर्द हो रहा है? माँ को, ना कि वो। अब उसको दर्द होगा, इसको कैसे पता चलेगा इसको दर्द हो रहा है? फिर बोल रही रियलाइज विद पेन, पेन किसको हो रही है? कमलादास को। क्या पेन हो रही है? दूसरा आदमी आपके साथ में बैठा है वो बहुत दुखी है, ठीक है, बोलते हैं ना चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है कि चोट लगे तुझको दर्द मुझे होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, चोट किसको लगी है? माता जी को। तो दर्द किसको होता है? कमलादास को, ठीक है। तो उसकी उसको चोट क्या लगी है? क्योंकि वो ठीक है, शी इज लाइक कॉप्स। तो यहाँ पर एशियन लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्स। यहाँ पर लुक्स हट गया, शी इज एज ओल्ड एज शी लुक्स, क्या वो इतनी ही बूढ़ी है उम्र में भी जितनी वो दिख रही है, जितनी वो दिख रही है, ठीक है। Looks, look, as she looked, as she वहां पर था ना, she is as old as she looked, but soon, फिर ये बोलती है अपना मूड चेंज कर, क्या बोलती है? But soon, अब यहाँ पर अपना दिमाग ये चेंज करती है, क्योंकि ये realize pain, इसको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, किसको? पॉइंट को, कमलादास को। तो ये अपने मूड को चेंज करने के लिए क्या कर रही है? बट सुन, पुट द थॉट अवे, मैंने वो सोच को दफा कर दिया, निकाल दिया। कौन सी सोच को? उस दर्द की सोच को। क्या थी वो दर्द? अपनी माँ उसकी अप्रोच कर रही थी, ठीक है। तो फिर क्या करती है? एंड लुकड आउट ऑफ यंग, अब ये गाड़ी में थी ना, तो ये गाड़ी से बाहर देख रही है, गाड़ी से आप बाहर देख रही है, क्या देख रही है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे दरख्त दौड़ रहे हैं। स्प्रिंटिंग दौड़ना होता है, स्प्रिंटिंग बोल रहा हूँ, छोटे। अब गाड़ी से हम बाहर देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि दरख्त दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे होते हैं हम, लगता है कि दरख्त दौड़ रहे हैं। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और ये हैप्पी हैप्पी चिल्ड्रन जो है ये भी स्पिल कर रहे हैं, ये भी रेस मार रहे हैं, ठीक है। मेरी चिल्ड्रन वाला बड़े खुश बच्चे। अब देखो इसका मूड चेंज हो गया, एक तो इसने क्या देखा मूड चेंज करने के लिए, उसने क्या क्या देखा? एक तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज देखा, ये स्प्रिंट कर रहे हैं, दौड़ रहे, और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ये भी घर से निकल के क्या कर रहे हैं? रेस मार रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इस स्टैंजा में एक खास पॉइंटिंग डिवाइस का यूज हुआ है, कौन सा? प्रोनाउन स्पीकेशन। क्या है वो? पर्सोनिफिकेशन। कहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ? ट्रीज, क्या स्प्रिंटिंग, दरख्त कभी दौड़ता है? तो पर्सोनिफिकेशन क्या बोलता है? नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन कैरेक्टर देना। अब ट्रीज जो है नॉन ह्यूमन है, इंसान नहीं ना है, लिविंग है लेकिन इंसान नहीं है। तो जब हमने इनको क्या दिया? इंसान का कैरेक्टर दिया, तो क्या बन गया? पर्सोनिफिकेशन। क्या बन गया? सब बोलेंगे क्या बन गया? पर्सोनिफिकेशन। क्या बन गया? पर्सोनिफिकेशन। यंग ट्री स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ठीक है। आउट ऑफ दियर होम्स, अभी कहां से दौड़ रहे हैं? स्पिल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं स्पिल? बच्चे कर रहे थे ना स्पिल। यस सर। आउट ऑफ दियर होम्स, अब यहां तक एक सोच है इसकी, कहां तक? आउट ऑफ दियर होम्स तक। क्या क्या सोच है? यंग ट्री स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, आउट ऑफ दियर होम्स, इससे अपने आप दिमाग को फ्रेश कर लिया। किसने कर दिया? कमलादास ने अपने दिमाग को फ्रेश कर दिया। स्टेंजा चेंज हो जाता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब क्योंकि इसको जाना था कहीं पर, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे जब ये पहुंचती है, क्या होता है? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड्स दूर है, कुछ कदम दूर है, ये अपनी माँ से ये सिक्योरिटी चेक करा रही है अपनी बैग शेक का, कि कुछ, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे चेक होता है, तो ये कुछ अब वहां से मुड़कर ये पीछे देख रही है अपनी माँ को, जो कि गाड़ी में बैठी हुई है।
आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, फिर बोलती है यहां पर कुछ वर्ड यूज करती है, वेन और पेल क्या है, वेन और पेल यानी कलरलेस लाइक एशियन, यस सर, कौन है आप पता नहीं ना क्योंकि इसमें बताया नहीं, उसकी मां, ठीक है, क्या बोला, वेन पेल, पेल वेन पेल, कौन है वे, क्या बोलती है, लुक्ड बैक, उसने देखा, वेन पेल एज अ लेट विंटर स्नो, वेन पेल, वेन पेल है वो, कलरलेस है वो, एशियन लाइक है वो, कौन है, जैसे कि लेट विंटर्स मून, जैसे चांद, सर्दियों का चांद मतलब क्या, जो क्लाउड से घिरा हुआ है, मुश्किली से अपनी शक्ल दिखाता फिर बंद, शक्ल दिखाता फिर बंद, कभी कब गायब हो जाए पता नहीं चलेगा क्योंकि बादल ही बादल है, ठीक है, तो क्या बोलता है, एंड फेल्ट दे ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर इसको एक फिर पेन हो जाता, ओल्ड मगर अब ये कौन सी पेन है, ओल्ड फैमिलियर पुरानी है और फैमिलियर है, फैमिलियर मतलब जानी पहचानी, जानी पहचानी है, कैसी है, फैमिलियर है, माय चाइल्ड केस, किसके साथ कंपेयर किया इसको, माय चाइल्डहुड फियर, जब मैं बच्ची थी, जब मैं चाइल्डहुड एज में थी, अब ओल्ड एज की बात कर रही है, लेकिन जब मैं चाइल्डहुड एज में थी तो तब मैं छोटी छोटी चीजों से हम डर लगता था, कहीं धम उठा, प्रेशर कुकर में सीटी लग गई तब भी डर लगता है ना, कभी बैलून फट गया तो डर लगता था, है ना, बैलून धम तो डर लगता था, है ना, छत पे किसी ने पत्थर मारा तो डर लगता था, ठीक है, कुत्ते ने हाउ किया तो डर लगता था, तो इसको बोलते हैं चाइल्डहुड, काकरोच इधर आ गया तो डर लगता था, है ना, चूहा इधर कमरे में घुस गया तो डर लगता था, ठीक है, तो वो ओल्ड फैमिलियर एक, बट एज आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने उसका गम नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा उसको बोलती कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं रोऊंगी उसके सामने, ठीक है, तो क्या बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोला सी यू सून अम्मा, जल्दी में बाय बाय किया अपनी माँ को, ठीक है, ऑल आई डिड, ये इसने बोला, ऑल आई सेड, ये मैंने बोला, क्या बोला, सी यू सून अम्मा, See you soon, अम्मा, ये मैंने बोला, all I did, और मैंने क्या किया, smile, and smile, smile, and smile, and smile, and smile, ठीक है, क्या किया, smile, and smile, smile, and smile, and smile, ठीक है, तो इसने किया क्या, सिर्फ मुस्कुराई, 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 अब smile क्या होता है, ठीक है, थोड़े से होंठ को थोड़ा ऐसे करो जैसे बना देना, ठीक है, ये है ना, ये आ गया स्माइल, और ये वाला चेहरा कभी नहीं बनाना, ठीक है, तो इसने क्या किया, स्माइल, दिख रहे हो ना स्माइल, ये कमला दास, कमला दास, तो ये उसकी मम्मी वहां पे बैठी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कंपेयर, ठीक है, अच्छा मुझे आप बताइए इस स्टैंजा में बहुत ही अच्छे पोएटिक डिवाइस यूज हुए, बताओ कौन कौन से, रेपिटेशन हुई है यूज, कहां पे रेपिटेशन हुआ, रेपिटेशन क्या होता है, व्हेन एनी वर्ड इज रिपीटेड इन द लाइन इन द वर्स, दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन, दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन, समय समय या एंड समय, एंड समय, एंड समय, एक और पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है, ही एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, बताओ कौन सा, सर मेटाफर, मेटाफर, मेटाफर इज लेट इज एज अ लेट विंटर्स मून, तो एज किसके साथ, मेटाफर या सिमली, मेटाफर सिमली, एज और लाइक, एज और लाइक, एज और लाइक किसके साथ हम यूज करते हैं, सिमली के साथ, वेन पेल, क्या लिखा इसने, ये इसका चेहरा कैसा था, वेन था, पेल था, एज और लेट, पेल था, और किसके साथ इसको किया, एज इतना पेल था, इतना वेन था, इतना भोरा था, यानी इतना कलरलेस था, जैसे कि लेट विंटर मून,
जैसे कि लेट विंटर मून, इसने डायरेक्ट नहीं बोला वेन पेल लेट विंटर मून, वेन पेल एज अ लेट विंटर मून, तो यहां पर क्या यूज हुआ सिमिलरली, क्या यूज हुआ सिमिलरली, ठीक है। तो यहां पे हमारी पोयम एंड क्या होता है एंड देहांत होता है पोयम का, तो फैमिलियर है कहा गई ये पूरी पोयम, ये तो हमने कर दी ना सिमिलरली पर्सोनिफिकेशन रेपिटेशन एंड इमेजरी, इमेजरी अलग अलग होती है ना, ट्री स्पीकिंग की जगह भी ट्रीज एज लेट एज विंटर्स मून की जगह भी हुआ है इमेजरी। हाँ इमेजरी क्या होता है कि जब फोटो बनाना दिमाग में, फोटो एक होता है फोटो बनाना, कुछ एरोल इमेजेस, एरोल इमेजेस क्या होती है जब जैसे सोच नहीं जब सुन के जैसे संगीत संगीत सुन के ऑडियो ऑडियो वाली इमेजेस, ऑडियो कुछ होती है जैसे स्मेल वाली इमेजेस, मुझे एक खुशबू आ रही थी ठीक है, सेंट की खुशबू आ रही थी या बदबू आ रही थी ठीक है, तो सिमिलरली भी समझ आ गया। रेपिटेशन कौन सा हुआ बार 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 बार, तो रेपिटेशन कौन सा यूज हुआ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ठीक है, ये क्या हुआ रेपिटेशन में यूज, समझ आ गया ना सारे। यस सर देखो सर में समझ आ रहा है, यस सर नहीं तो बड़े चुप चुप है। एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट शी मेड डेस्परेट एफर्ट टू कवर अप हर गिल्ट, तो इसको छोड़ो आप, तो रेपिटेशन क्या हुआ है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ठीक है। अब दूसरा सिमिलरली कौन सी हुई है, हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कोर्स, ये भी हुआ है ठीक है। और नीचे उसके बाद वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर गलत हुआ स्पेलिंग, लेट विंटर्स मून, तो ये दो क्या हुआ है यहाँ पर हमें दो स्पेलिंग्स का यूज ठीक है। पर्सोनिफिकेशन कौन सा हुआ है यंग ट्रीज स्प्रिंगिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंगिंग। उसके बाद एलिट्रेशन क्या होता है, यहाँ पर एलिट्रेशन में भी रेपिटेशन होती है लेकिन एक ही लेटर की रेपिटेशन होती है। यस सर यस सर, जैसे एम एम टी टी, हाँ माय मदर एम एम, देयर थॉट टी टी, सेड सी सून, एस पर सेड एस पर सी एस पर सून, इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं एलिट्रेशन, क्या बोलते हैं एलिट्रेशन। तो क्या बोलता है, इट इज द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द लाइन ऑफ अ पोएम। एलिट्रेशन किसको बोलेंगे, लिख दो इसको अगर किसी को नहीं लिखा है, एलिट्रेशन हम किसको बोलेंगे, इट इज द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सिंगल लाइन ऑफ अ पोएम, इट इज द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सिंग इन अ लाइन सिंगल लाइन इन अ लाइन ऑफ अ पोएम। Alliteration is the it is the repetition of the sounds consonant sounds in the line of a poem. Likha? Yes sir. Metaphor. Metaphor, it is the direct comparison of two things without use of as or like. The merry children spilling. Merry children spilling. ये दौड़ रहे हैं, ठीक है? Compare क्या? खुशी, ठीक है? तो कहीं पर भी हम ये कुछ questions हैं, मुझे लगता है clear होने चाहिए सबको, ठीक है? How the poet describe her mother in the poem? कैसी है वो? कैसी है वो? अच्छी खासी। ओल्ड एज है, ग्रे है, पेल है, ठीक है, और लाइक लाइक डेड बॉडी है। यस सर। डोज है, डोज है, ओपन माउथ है, जैसे कि डेड बॉडी। व्हाई डज द पोएट लुक आउटसाइड, वो बाहर क्यों देखती है? क्योंकि शी इज रियलाइज्ड विद पेन, तो शी वांट टू डाइवर्ट हर थॉट, वो पेन से बाहर निकलना चाहती है, तो इसलिए वो बाहर देख रहे, ठीक है। ये आपके बुक्स में भी ये वाले क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये सात क्वेश्चन आ गए इसमें, सी यू सून अम्मा, व्हाट डज द पोएट एक्चुअली मीन, स्माइल एंड स्माइल का मतलब क्या है यहाँ पर बताया गया, ठीक है। ये खुद ही हो जाएगा, बस खत्म।
ध्यान था रहा पॉइंट का थैंक यू वेरी मच.